हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को हिंदी साहित्य में भक्ति काल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। भक्ति काल का समय 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी है। भक्ति काल को दो काव्यधारा में बांटा गया है, निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा के दो भाग हैं, ज्ञान श्रेयी शाखा के संत काव्य, प्रेमा श्रेयी शाखा के सूफी काव्य। सगुण काव्यधारा के दो भाग हैं, रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा। चलिए आगे देखते हैं। भक्ति काल में हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भक्ति काल को हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल कहा जाता है। निर्गुण काव्यधारा की विशेषताएं, इसमें निर्गुण ब्रह्मा अर्थात निराकार रूप की उपासना की गई है। दूसरा, गुरु की महत्ता। तीसरा, आडंबर का विरोध। चौथा, जातिवाद का विरोध। पांचवा, समानता के प्रेम पर बल। इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनकी विशेषताएं निर्गुण काव्यधारा की। इसमें निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की जाती है, गुरु की महत्ता दी जाती है, आडंबर का विरोध किया जाता है, जातिवाद का विरोध किया जाता है, समानता के प्रेम पर बल दिया जाता है। निर्गुण काव्यधारा को दो भागों में बांटा गया है, पहला ज्ञानश्रेयी शाखा, दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत सब संत काव्य आते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत सूफी काव्य आते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। इनकी भाषा सतुकड़ी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आगे देखते हैं। बीजक नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया गया है, जिनके तीन भाग हैं। पहला साखी, दूसरा सवद, तीसरी रमैनी। इनका जन्म 1398 ईस्वी से में हुआ था। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीर जुलाहा जाति के थे। ये काशी में रहते थे। इनके गुरु रामानंद जी थे। इनकी पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल था। पुत्री का नाम कमाली था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कबीरदास का, जो इनके जन्म, मृत्यु, इनके गुरु, इनकी पत्नी, पुत्र के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। निर्गुण संत काव्य के दूसरे कवि थे रामानंद जी। इनका जन्म 1368 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु 1468 ईस्वी में हुई थी। ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें से कबीरदास भी थे। तीसरा, रैदास जी हैं संत काव्य के कवि। इनकी रचनाओं का संकलन रविदास की बाणी शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। ये जाति के चमार थे, काशी के निवासी थे। इनके प्रसिद्ध कवित्री मीरा के गुरु बताते थे। सुंदरदास चौथे कवि हैं। सुंदरदास सुंदर विलाप। पांचवा मलूकदास। इनका रचना रत्न खान ज्ञान बोध। थैंक यू।